बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 3। दिस इज आवर यूनिट नंबर 2। इट इज अबाउट नंबर ऑपरेशंस एंड दिस इज आवर लेसन नंबर 18। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द SLO, अप्लाई मेंटल मैथमेटिकल स्ट्रेटजीज टू डिवाइड वन डिजिट नंबर बाय अ वन डिजिट नंबर। हम बेसिकली इस लेक्चर में वन डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना सीखेंगे विदाउट यूजिंग पेंसिल। बेसिकली आपने मेंटली कैलकुलेट करना है, जिस तरह मेंटल मेथड मैथमेटिकल स्ट्रेटजीज आपने एडिशन में भी अडॉप्ट की थी, सब्ट्रैक्शन में भी अडॉप्ट की थी और फिर मल्टीप्लीकेशन में भी अडॉप्ट की थी। उसके लिए आपके पास किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? बेसिकली आपको टेबल्स आने चाहिए वन से लेकर टेन तक, तो क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक्स ओपन करनी है और उनके ऊपर ये राइट करें और इन नंबर्स को डिवाइड करने की कोशिश करें और कैलकुलेट करें कि किस तरह क्विकली आप जो है इनको डिवाइड कर सकते हैं। 8 को डिवाइड कर सकते हैं 4 के साथ। तो यहां पर जो 8 है वो आपके पास डिविडेंड है, 4 जो है वो डिवाइजर है और क्वोशेंट आपने फाइंड करना है। थिंक अबाउट इट एंड रीड द टेबल। टेबल को रिवाइज करें माइंड में कि कौन सा टेबल आपने यूज करना है टू डिवाइड द नंबर 8। तो अब आ जाए वोकैबुलरी की तरफ या कीवर्ड्स। इससे क्या होता है, जो मेंटल मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी है, थिंकिंग कैपेसिटी इनहांस होती है। जब भी आपको यह कहा जाए कि ओरली आपने इसको डिवाइड करना है गिवन नंबर्स को, तो आपने टेबल्स को यूज करना है इन योर ब्रेन। सो डिवीजन ऑफ नंबर्स यूजिंग मेंटल मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी, इसको हम लोग स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट करेंगे मेंटल मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी होगी। एंड देन जो क्वेश्चंस हैं सारे जो हैं और एग्जांपल इनसे रिलेटेड होंगी। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एग्जांपल की तरफ। आपकी बुक के ऊपर एग्जांपल नंबर 35 है। व्हाट इज द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैन यू टेल मी विदाउट सॉल्विंग ऑन पेपर क्विकली। आपने बताना है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने जिनको सॉल्व करना है क्विकली। आपने आंसर राइट करना है जो आप लॉन्ग प्रोसेस पिछली एग्जांपल में यूज किया था डिवीजन का, टू डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर के ऊपर डिवाइड करने का, वो आपने मेथोडोलॉजी यूज नहीं करनी। जस्ट कैलकुलेट इन योर माइंड एंड राइट द आंसर। सो करना क्या है, क्विकली 2 का टेबल वहां तक रीड करें कि जब तक आप यहां तक आपका प्रोडक्ट जो है वो 8 बन जाता है। 2 4s are 8। सिमिलरली पार्ट 2 जो है 3 3s are 9 एंड देन 4 2s are 8। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इस तरह आपने यहां पर 3 आएगा, सो 3 3s are 9 होते हैं। तो अब इस तरह आपने इनको सॉल्व कर लेना है क्विकली, जो है वो रिजल्ट राइट कर देना है विदाउट सॉल्विंग ऑन द पेपर। जस्ट रिमाइंड द टेबल इन योर माइंड एंड ट्राई टू राइट द आंसर। सो अब आ जाएं नेक्स्ट। यही स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट करनी, जैसा कि ये सॉल्यूशन में मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्विकली उसको राइट कर देना है। कैसे, 2 4s are 8 3 3s are 9 4 2s are 8। तो अब आ जाए नेक्स्ट। ये इंडिविजुअल वर्कशीट है, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इसको कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, टीचर जो है वो आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी। तो हर स्टूडेंट ने वही मेंटल मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी यूज करनी है और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। तो स्टूडेंट्स
अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस की, हमारा आज का एसएलओ जो था अप्लाई मेंटल मैथमेटिकल स्ट्रेटजीज टू डिवाइड वन डिजिट नंबर बाय अ वन डिजिट नंबर। एंड इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको आपने गौर से पढ़ना है, चाहे कोई वर्ड प्रॉब्लम है या सिंपल जो है वो इक्वेशन है, उसको गौर से पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर मेथोडोलॉजी अप्लाई करें और टेबल्स जो है जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं वो आपको आने चाहिए ताकि आप कोई क्लीन को सॉल्व कर सकें। एंड देन अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 36 और होम एक्टिविटी जो आपकी बुक में गिवन है उसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपने ये जो टास्क है अपना, जो होमवर्क है, इसे अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्सेल एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। आई होप के आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।